पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करके कक्षा को प्रारंभ करते ठीक है। कल हमारा द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर पूरा हो गया था ठीक है। इसमें कोई डाउट थोड़ी था है, एकदम क्लियर हो गया था टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक था द्रव्य गुण पर्याय का। आप लोगों को कोई प्रश्न हो संबंधित है? नहीं है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। आपको नहीं है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। अनिता आंटी आप बताइए, सूंघना किस गुण की, किस गुण का, किस द्रव्य का गुण है? सुगंध और दुर्गंध, जो हमें आम की खुशबू आती है, मिठाइयों की खुशबू आती है, वो खुशबू किस द्रव्य का गुण है? कोई नहीं बताएगा? अनिता आंटी बताएंगी। द्रव्य में ये मैं बताती हूँ, ये सूंघना तो हमारे घ्राण, घ्राण द्रव्य, घ्राण इंद्रिय का कार्य है। गुण कौन से द्रव्य का है, किस द्रव्य का गुण है, लक्षण किस द्रव्य का लक्षण है? खुशबू आती ना तरह तरह की, पूड़ी बन नहीं तो उसकी खुशबू, हलवा की खुशबू, बदबू भी आती है कई तरह की, तो वो किस द्रव्य का गुण है, किस द्रव्य का लक्षण है? निशांति आप बताइए। द्रव्यत्व गुण नहीं, हर्षदा भाभी आप बताइए। नहीं मालूम, अभी खोजबीन कर रही थी। आप उद्गल द्रव का, उद्गल द्रव का लक्षण है सुगंध, गंध, गंध, गंध उद्गल का है। कंफ्यूज कर देती हो पूछने में, कंफ्यूज कर देती हो। मैंने गुण का नाम लिया और आपसे द्रव्य पूछा, पुद्गल द्रव्य के। पुद्गल के लक्षण बताओ तो फटाफट बता देते आप, स्पर्श रस गंध वायु। स्पर्श रस गंध पूछा, बस इधर से नाक नहीं पकड़ी, घुमा के पकड़ ली थोड़ी। हम ही समझ नहीं पाए। चलिए अब एक बात बताइए, आत्मा में जो राग द्वेष मोह आदि विकार उत्पन्न होते हैं वे कौन सी पर्याय है? हाँ हर्षदा भाभी बताइए। इसमें ना विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव नहीं, व्यंजन पर्याय नहीं है। आत्मा में जो राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं, ऋतु भाभी हाथ खड़ा कर लीजिए, बताइए। विभाव अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, बहुत से हम देख नहीं सकते और वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं विभाव, विभाव पर्याय है, अर्थ पर्याय। ठीक है, अच्छा आप विभाव क्यों है इसका आंसर बताओ निशांति। आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न हुए उसको विभाव क्यों बोला? क्योंकि वो पर निमित्त के संबंध से होते हैं ना ये। हाँ, क्योंकि वो पर निमित्त के संबंध होते। ठीक है, और जो और सिद्ध भगवान के जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय? स्वभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय, क्योंकि वो जो आकार उत्पन्न हुआ वो स्वभाव से आया, अपने आत्मा के आश्रय, उसमें किसी दूसरे परद्रव्य का कोई निमित्त नहीं है। ठीक है, पर्याय को जानने से क्या लाभ है, सब बताएंगे इसका आंसर बारी बारी से। सबसे पहले कौन बता रहा है? अनिता आंटी चलिए बताइए। उससे ना हमारे मन में एक निश्चिंतता आ गई है कि कोई हमारा कुछ मतलब किसी भी तरीके से बिगड़ सकता, जो कुछ हो रहा है वो होगा ही, हमारे को अपनी क्रियाएं तो करती रहनी है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसके लिए दुख नहीं मनाना है कि ये इस तरह का
मतलब गलत कार्य हमारे साथ हो गया, निश्चिंत रहना है। चलिए ठीक है। निशान जी आप बताइए, शिव गुण पर्याय को पढ़ने से द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ने से, क्योंकि सब जीव द्रव्य हैं और द्रव्य गुणों का पिंड होता है और सभी जीव द्रव्य हैं और अतः हम सभी गुणों के पिंड हैं। तो ऐसा ज्ञान होने पर हम लोग मतलब गुणहीन हो जाएंगे, गुणहीन है नहीं, अस्तित्व गुण है मेरी मेरे मन में, जो मेरे में जो अस्तित्व गुण भरा हुआ है वो उसका कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा ही कुछ है इसका नाश नहीं। ठीक है, ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भरता आ जाती है, मतलब डर खत्म हो जाता है। ऋतु अभी आप बताइए, द्रव गुण पर्याय से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि संसार में जो आया है वो अपने आप, मतलब ना तो खुद आया है खुद ही जाएगा, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। और इस चीज को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो मतलब हमारे कसाई का जो पैरामीटर है वो बहुत कम हो जाता है, इससे हम बहुत कुछ मतलब मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम जीव द्रव्य हैं, हमारे अंदर अनंत गुण है और इन गुणों में प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। इस परिभाषा को जानने से हम जीव हैं और हमारे अंदर प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, हम निर्भर हो जाते हैं कि हम किसी काम के कर्ता नहीं है, ये तो परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन के अकॉर्डिंग ये सब राग मोह माया जैसे ये सब चेंज होता है, तो हम किसी चीज के कर्ता नहीं है और इसको पढ़कर हम निश्चिंत हो जाते हैं। बस हमें ये रहना चाहिए कि हमें क्रियाएं करते रहना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए कि हम इसके कर्ता हैं, ऐसे। हाँ ठीक है, सबने से बढ़िया उत्तर दिया, मस्त मजा आ गया, मतलब समझ में आ गया सबको, है ना। द्रव्यगुण पर्याय जानने से एक और विचार आता है कि वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है और व्यवस्थित, उसमें रंच मात्र भी फेर नहीं आएगा। भूकंप आ जाए तो क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सुनामी आ जाए, समुद्र में बाढ़ जाएगी तो क्या सब नष्ट हो जाएगा, ना कुछ नष्ट नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने एक बार घोषणा की थी ना सन 2012 में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं थी ना, क्या हुआ, तो डर लगता है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, अरे हो ही नहीं सकती नष्ट, हो ही नहीं सकती नष्ट, अस्तित्व गुण कहाँ जाएगा पुद्गल का भाई, जीवों का अस्तित्व गुण कहाँ जाएगा, नष्ट हो जाएगी तो नाश तो होता ही नहीं है, तो टेंशन फ्री हम कि भाई चाहे सुनामी आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, यहाँ का वहां हो जाएगा, पुद्गल की पर्याय बदल जाएगी, पुद्गल नष्ट नहीं होगा, मैं जीव जब नष्ट नहीं होगा, निश्चिंता आ गई। और वस्तु व्यवस्था निश्चित है, पर्याय क्रमबद्ध रूप से निश्चित है, तो कर्तव्य का बोझ खत्म, जो बोझ था कर्तव्य का, कर्ता बुद्धि खत्म, कर्तव्य का बोझ खत्म, वही निश्चित ही है, जिस समय में जो पर्याय आनी वो तो आके ही रहेगी। अच्छा अभी तो हमने बाहर में समझा कि जो पर्याय आनी वो आएगी, नार की आएगी तो मनुष्य की आएगी तो त्रियंश की आएगी, तो बाहर में समझा, लेकिन राग द्वेष आदि परिणामों का नाम भी तो पर्याय है ना, अभी पढ़ा था ना पढ़ने, राग द्वेष जो भाव आ रहे उन परिणामों का नाम भी पर्याय है, और पर्याय कितने समय की, एक समय की, यानी विकल्प आया नहीं कि गया, विकल्प आया नहीं कि गया। अब बताओ, अब कभी कोई गंदा विचार मन में आ जाए, ठीक है, तो क्या उसको पकड़ के बैठ के रोते रहे हम, अरे राम गंदा विचार मन में आ गया, गंदा विचार मन में आ गया, अब तो कितना पाप लगेगा, रोना चाहिए नहीं, वो तो पर निमित्त से आया था, एक समय को आया था, उसकी पर्याय चेंज हो गई, गया वो तो, आगामी पर्याय आएगी तो पुरानी पर्याय का व्यय हो जाएगा, तो बोलो वो भी नहीं करना, वो भी टेंशन खत्म। अब गंदे विचार आए भी तो उनको पकड़ के बैठ के रोना नहीं है, आए परिणाम तो निकल गया आके, उसमें अटकना नहीं है, अगर हम उस परिणाम में अटके और उस परिणाम को लेके बैठ गए तो अनंत बंद होगा आत्रोत परिणाम होने से, ठीक है,
परिणाम आया, विकार आया और निकल गया, क्योंकि पर्याय है ना, निरंतर बदल रही है, तो हमें इससे टेंशन फ्री, डिप्रेशन नहीं आएगा हमें। गलत विचार आ जाते हैं, फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसको बताएं किसको नहीं बताएं, मम्मी क्या कहेंगी पापा क्या कहेंगे, होता है ना। तो बच्चों के द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाने का यही फायदा है कि बेटा पर्याय आई आके चली गई, विकल्प आया आके चला गया, उस विकल्प में अटकना नहीं है, बस उस विकल्प से बाहर आ जाओ, तो डिप्रेशन खत्म, सुसाइड के आधे ज्यादा मामले खत्म। अब कोई अच्छा विचार आ गया, भाई मैं 1 करोड़ रुपया दान करूं, मंदिर बनवाऊं, मैं पूजा पाठ करूं, व्रत उपवास, अच्छा विचार आ गया, भाव ही तो है ये भी, और ये भाव भी पढ़ने में किसे आया, तो अब बताओ, तो 1 करोड़ रुपया दान करने से अहंकार आएगा क्यों, ये भी पर्याय है, ये राग की पर्याय है, राग आया ना उससे, दान करूंगा मैं 1 करोड़ का, राग आया ना, तो ये भी पर्याय है और ये भी चली जाने वाली है, समझ में आया, तो अहंकार की भावना नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। पूजा करने का भाव आया तो भी अहंकार की भावना नहीं आएगी, दान का भाव आया तो भी अहंकार की भावना नहीं आएगी, समझ में आया। बस कर्तव्य है इसलिए करना है पूजा, अहंकार नहीं आया ना, मैंने शुद्ध चक्र मंडल विधान करवा दिया, वाह अरे करवा दिया, बहुत अनुमोदना आपकी, लेकिन अब अहंकार तो नहीं आना चाहिए ना, तो अहंकार भी नहीं आया और कर्तव्य की गठरी भी नहीं बांधी, का मैंने करवाया, मैं नहीं करवाता तो कौन करवाता, मैंने मंदिर बनवाया, मैं नहीं करवाता तो कौन करवाता, अरे तुम नहीं करवाते तो कोई दूसरा होता, समझ में आया। पर्याय है ना ये, तो बदल जाएगी। और देवगुण पर्याय, जब ये पता चल गया कि सब वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, स्वतंत्र है, हमारे हेर फेर करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो परिणामों में करुणा आएगी, जीवों के प्रति दया भाव आएगा, क्यों, दुश्मनी का ख्याल ही नहीं आएगा, कोई दुश्मन दिखेगा ही नहीं, सारे जीव दिखेंगे हमें, इक्वल दिखेंगे सारे, मनुष्य भी जीव दिखेगा, चींटी भी जीव दिखेगी, अच्छे पानी में जो जीव दिखते नहीं है वो भी जीव नजर आएंगे फिर हमें, और सब पर समान करुणा का भाव आएगा, तो समानता की भावना आ गई, लो आ गई ना, दया की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी, किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से मोह नहीं होगा, समझ में आया, कितना बढ़िया निर्भर होने का मार्ग है ये, तो ये द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने के इतने फायदे हैं। ठीक है, किसी को और कोई पॉइंट ख्याल में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़े, हमारा चैप्टर हो गया पूरा, है ना। चलो अच्छा एक चीज और, एक और बता दो मुझे, एक न्यूज़पेपर है मेरे हाथ में, एक कौन सी पर्याय का एग्जांपल है, कौन सी पर्याय है, ये न्यूज़पेपर है, कौन सी पर्याय है, जल्दी बता दो, अर्थ पर्याय, पर्याय का है? या गुड़ का व्यंजन, व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय, सिर्फ व्यंजन पर्याय है, ओनली व्यंजन पर्याय, जो दिख रही है आकार है इसका, आकार है इसका, अरे किसी के निमित्त से नहीं है, नॉर्मल है ये, नॉर्मल है व्यंजन पर्याय, वो व्यंजन पर्याय है। चलिए बस ऐसे एग्जांपल ख्याल रख लो, तो पर्याय बनी रहेंगे, अर्थ पर्याय दिखती नहीं है, व्यंजन पर्याय दिखती है, जो मैं आंखों से देखा वो सब व्यंजन पर्याय है। ठीक है, चलो बहुत सारी कठिन कठिन पढ़ाई करके आ गए अपन, लेकिन उस पढ़ाई से निश्चितता बहुत आई ना, फायदा हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, हो रहा है, क्या हो रहा है आंटी, अनिता आंटी क्या फायदा हो रहा है, मैं हाँ अनिता आंटी आप बोलिए, क्या क्या फायदा हो रहा है, हाँ नहीं फायदा तो बहुत हो रहा है जैसे मन के जो भाव है उनमें काफी चेंज आए हैं, चेंज आया है, जैसे क्रोध वगैरह ये सब करने से पहले डर लगता है, नहीं नहीं करना है अरे डर ही तो नहीं लगाना है, डर ही तो मिट गया, हाँ कि नहीं करना है,
क्रोध का परिणाम भी एक समय की पर्याय है, इसको ऐसा मानो। क्रोध का परिणाम भी एक समय की पर्याय है, एक समय में निकल जाएगा, बीत जाएगा, बस उसको अगर हमने पकड़ के बैठ गए, हाय राम क्रोध आ गया, हाय राम क्रोध आ गया और निकल गया, पाप नहीं होगा। मान लो अपने घर में सांप निकल आया, ठीक है, और शांति से बैठे रहो सारे, सांप इस कोने से आएगा, इस कोने चुपचाप निकल जाएगा, है ना। लेकिन घर के सारे लोग उपद्रव मचाने लगे, सांप आ गया, सांप आ गया, डंडा मारो, तो फिर क्या करेगा, सांप दो चार को डस के ही जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही सांप अपने घर में उत्पन्न होने वाला क्रोध, अपने अंदर उत्पन्न होने वाला सांप है, उस आया, उस क्रोध को शांति से निकल जान दो, उसको छेड़छाड़ मत करो और उसमें अटको मत। समझ में आया? तो बंद नहीं होगा, उस एक समय की पर्याय निकल जाएगा वो। लेकिन हम उन परिणामों में अटक जाते हैं ना, तो हमें फिर बंद होता है। इनको बोलते हैं औदयिक भाव। औदयिक भाव मतलब विकल्प, यानी विचार, आया और निकल जान दो। जैसे सड़क पे हजारों मोटरसाइकिल गाड़ियां निकलती हैं, किस किस पर नजर रखते हैं हम? नहीं रखते ना किसी पे, हजारों निकलती हैं, पर पदमपुरा जाएं तो पदमपुरा पहुंचते पहुंचते तो कम से कम 1000 बस, गाड़ी, ट्रैफिक, कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा, कोई याद नहीं रहता हमें किस पे नजर नहीं है हमारी, है ना। ऐसे ही बस एक अनंत परिणाम आते हैं दिन भर में, अनंत, लेकिन उन अनंत परिणामों पर नजर नहीं डालनी है, अपने धीरे से निकल जाना है, शांत रह के। चलो अब अगला चैप्टर है इसमें नैमिनाथ भगवान का। और किसके फर्क आ रहा है चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, पहले फर्क सुन ले, क्या क्या इम्प्रूव, क्या क्या फायदा पर्सनल फील हो रहा है बताओ। मैं ही पूछूं क्या? हाँ प्रमिला आंटी आप बताइए। मुझे तो जब से भी जैसे भी धर्म से जुड़ रहे हैं अपन लोग, जैसे जैसे कर रहे हैं, तो न तो बिल्कुल डर लगता है, न कभी गुस्सा आता है, क्रोध भी नहीं आता मुझे, है ना, और कोई चीज से डर नहीं लगता, है ना, निडर होके काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। विचार भी आते हैं, कोई विचार भी ऐसे आ जाते हैं, कोई गलत विचार भी आ जाते हैं, थोड़ी देर में अपना आप खत्म हो जाता है, ये आता है। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। निशा आंटी आपके? ज्ञान में वृद्धि हुई है। एक तो आज जैसे कहीं भी कोई दर्द होता है तो ये लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत बड़ी चीज है ये, सर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वही कुछ मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, बस इतना समझ। अगर दर्द के समय में आत्मा याद आ रही, मतलब समय दर्शन हो गया। दर्द के समय आत्मा याद आना बहुत बड़ी बात है, गायब हो जाते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऋतु भाभी अब आप बताओ। देखो ज्ञान तो बढ़ ही रहा है अपना, ये तो कोई नो डाउट, बट इससे ना मतलब बहुत कुछ कसाय को मंद करने में, क्रोध को कम करने में, किसी के प्रति बुरा सोचने में, मतलब अपना मन स्वच्छ हो रहा है, साफ रहता है, सहायता मिल रही है, सहायता मिल रही है उस चीज को, मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में कि हाँ ऐसा होना ही है, तो अपना दिमाग क्यों लगा ले, तो उसमें मतलब इजी हो गया, इजी गोइंग हो गया एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल, और एक्सेप्ट करने के बाद मलाल नहीं होता होगा, दुख नहीं होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दुनिया में जो हो रहा है चाहे अच्छा हो हमारे साथ चाहे बुरा हो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि दिमाग में घूमते रहती थी वो बात, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना ही था, इसलिए छोड़ो उस बात, अब तो कितनी टेंशन फ्री हो गई ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चिंता आती है मूल सिद्धांतों को पढ़ने से। अपन जो भी पढ़ना पूरे मूल सिद्धांत पढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आज ही मैंने एक मैसेज पढ़ा था, व्हाट्सएप पे आता रहता है, कि ज्ञान वृद्धि के साथ अगर आपके परिणामों में कषाय बढ़ रही है तो आपका ज्ञान विष के समान है, और अगर ज्ञान वृद्धि के साथ आपके परिणामों में निर्मलता आ रही है, दया आ रही है, तो आपका ज्ञान अमृत के समान है। तो अपने अपने मतलब उस पे अपन लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से निर्मलता बढ़ती है।
निर्मलता ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर निर्मलता नहीं बढ़ रही मतलब अपना ज्ञान फिर अपन सही दिशा में नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर अपनी निर्मलता बढ़ रही है तो डेफिनेटली 100% 1001% अपन सही ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन मूल सिद्धांत तो मूल ग्रंथों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब गुण पर्याय के फायदे हो गए बहुत सारे। निज निधि निज में पठाय अनंत कार है ज्योतिरा शर्मा कही।